तांडव वेब सीरीज पे लगता है दुनिया का, लोगों का, इनफैक्ट न्याय का भी काफी ज्यादा तांडव हो रहा है। सो गाइस आपको बता दूं यहाँ पर कि क्या कुछ चल रहा है, क्या नई अपडेट आई है तांडव वेब सीरीज यानी कि एमेजॉन प्राइम इंडिया हेड। अपर्णा पुरोहित, नमस्कार, मैं हूं रुदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। देखिए 15 जनवरी ये वेब सीरीज जो है रिलीज हुई है अमेज़न प्राइम पर, तब से लेकर अब तक यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज हो चुकी है। इनफैक्ट माफी वाफी भी मांगी गई है, हाल ही में वापस से माफी मांगी गई थी। मैंने आपको इस बारे में बताया भी था कि भाई अमेज़न पे कई सारी वेब सीरीज जो है वो अटक गई है, रोक लगा दी है इसकी रिलीजिंग पर, तो रास्ता जो है वो कहीं ना कहीं साफ होता हुआ नजर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। और यहाँ पर इलाहाबाद कोर्ट में दरअसल अपर्णा पुरोहित ने अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने वहां पे PIL डाला था, लेकिन इलाहाबाद कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, नामंजूर कर दिया था, जिसके बाद में अपर्णा पुरोहित पहुंची सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद में अपर्णा पुरोहित इन्हें मिली है राहत, क्योंकि इनकी अग्रिम जमानत जो है इन्हें मंजूर कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारी भले ही ना हो लेकिन चार्जशीट जो है वो जरूर फाइल होगी। और इनफैक्ट जहां एक तरफ इन लोगों ने माफी मांगी थी, अपर्णा पुरोहित ने भी माफी मांगी थी इस बात के लिए कि वो कंटेंट को लेकर नई नई चीजें लेकर आते रहेंगे, लेकिन तांडव वेब सीरीज में जो भी लोगों की फीलिंग्स को हर्ट हुआ है इसके लिए हम माफी चाहते हैं। तो आप लोग का क्या कहना है, क्या तांडव वेब सीरीज देखने के बाद आप लोगों को भी यही लगता है, कि आपके मन में भी यही चीजें आती हैं? राय बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही बॉलीवुड और टेलीविजन की सारी खबरें सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड हेडलाइंस पर।